हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ सुंदर सी स्वेटर डिजाइन सिखाने जा रही हूँ। ये स्वेटर डिजाइन आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर व ब्यूटीफुल डिजाइन है और इजी है। ये 3-6 के मल्टीपल फंदों से डिजाइन बनाई जाती है और मैंने थोड़ा सा पैटर्न रेडी किया है, इसी के ऊपर मैं आपको बताऊँगी। देखिए, पहले मैं 3 फंदे सीधे बिनूंगी। पहली रो में मैं 3 फंदे सीधे बिनूंगी। देखिए, 1, 2, 3 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करूंगी, 3 फंदे उल्टे बिनूंगी। देखिए, इन्हीं को अब मैं रिपीट करते जाऊंगी। 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, पूरी रो में इसी तरीके से बिन लूँगी। और देखिए, पूरी रो मैंने इसी तरीके से निकाल ली है। 3 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे, इस तरीके से मेरी फ्रंट रो निकल गई, फर्स्ट रो। सेकंड, जो ये 6 फंदे हैं, इन्हीं को रिपीट करूँगी मैं। 3 सीधे, 3 उल्टे, ये पूरी रो में रिपीट होते हुए जाएंगे। अब सेकंड रो बैक साइड से, सेकंड रो बैक साइड से पूरी रो में उल्टी उल्टी बिन लूँगी। अभी सेकेंड रो में मेरी कोई डिजाइन नहीं है, मैं पूरी रो उल्टी उल्टी बिन लेती हूँ। सेकेंड रो, थर्ड रो, अब मैं फ्रंट साइड से, थर्ड रो फ्रंट साइड से मुझे, देखिए, जो ये मेरे यहाँ पे 3 फंदे सीधे बिने थे, उसमें से सेकेंड फंदे के, ये देखिए, 4 पेज ले जाके, 4 जाली पे ले जाके इस तरीके से एक फंदा बढ़ा दूँगी। फिर सेकेंड फंदे बिनूँगी, फिर वही जगह पे दोबारा ले जाके फंदा बढ़ा दूँगी और फिर तीसरे फंदे को भी सीधा बिन लूँगी। अब इसी तरीके से मैंने 3 फंदों में कुछ नहीं करना है, उसे उल्टे उल्टे ही बिनना है। अब इसी तरीके से पूरे रिपीट करते जाऊँगी। सीधे फंदे में इस तरीके से डिजाइन निकालूँगी। देखिए, 1 पहला फंदा बिन लूँगी, सेकेंड फंदे के 4 फंदे, 1, 2, 3, 4। देखिए, फिर एक फंदा बढ़ाऊँगी और इस फंदे को सीधा बिनूँगी, फिर एक फंदा बढ़ाऊँगी, फिर थर्ड फंदे को सीधा बिनूँगी। देखिए, थर्ड फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, इस तरीके से सेकेंड रो निकाल लूँगी। देखिए, सेकेंड रो मेरी कंप्लीट होने वाली है। बहुत ही इजी डिजाइन है ये। देखिए, एक फंदा सीधे बिनने के बाद सेकेंड फंदे में मुझे इस तरीके से ये फंदा करना है। देखिए, मेरी ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं थर्ड रो में आ गई, लास्ट मेरा ये बचा हुआ है। अब मैं सेकेंड रो, मैंने थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं 4 रो बैक साइड से आ गई हूँ। 4 रो बैक साइड से जो फंदा बढ़ाया है उसको मैं बिना बिने निकाल लूँगी
और जो फंदा मैंने सीधा बिना है उसको मैं उल्टा बिन लूँगी। इस तरीके से पूरी रो निकाल लूँगी, जो फंदे बड़े हुए हैं उनको बिना बिने निकाल लूँगी। अब मैं 5 रो फ्रंट साइड से आ गई हूँ। 5 रो फ्रंट साइड से ये देखिए मुझे 2 फंदों का एक करना है, ये इस तरीके से। फिर 3 फंद इन जो उल्टे बिने थे उनको सीधे सीधे बिनने, ये रो पूरी सीधे सीधे बिननी है। ये देखिए ये जो बढ़ाया हुआ फंदा था फर्स्ट फंदे के साथ इसको 2 का 1 कर देंगे, सेकंड फंदे को सीधा बिनेंगे, फिर थर्ड फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे और उल्टे फंदों को सीधा सीधा बिन देंगे। ये देखिए फर्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 किया, फिर ये फंदा सीधा बिना, फिर आप थर्ड फंदे के साथ 2 का 1 करूँगी जो बढ़ाया हुआ फंदा था। ये हमें 5 रो में करना है और फंदों को हम सीधा सीधा बिन लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारी 6 रो भी कंप्लीट हो गई है, 5 रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 6 रो बैक साइड से आके पूरी रो हम उल्टी उल्टी बिन लेंगे। 6 रो बैक साइड से पूरी रो उल्टी उल्टी बिन लेंगे। ये अब देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमारी एक पैटर्न कंप्लीट हो गई है। अब जो जहाँ पे हमने सीधा बिना था वहाँ पे हम उल्टा बिनेंगे, और जहाँ पे हमने उल्टा बिना था वहाँ पे हम सीधा बिनेंगे, और वहीं सीधे पे हम डिजाइन डालेंगे और उल्टे को उल्टा ही बिनते हुए ले जाएंगे। इस तरीके से हमारा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर पैटर्न लगेगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।